मैनावती उपदेश लेने के बाद अत्यंत प्रसन्न थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मैं धन्य हुई ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। लेकिन जिस तरह अपने पति की शमशान में राख हुई, उसी तरह अपने पुत्र गोपीचंद्र की भी होगी। ये दुख उसे असहनीय हुआ। इसलिए बहुत दिनों से अपने बेटे को उपदेश देने के लिए बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। एक बार माघ महीने के ठंड के दिनों में वह महल के छत पर धूप सेक रही थी। उसी समय उसका पुत्र गोपीचंद नीचे की छत पर रत्नों से जड़ी चंदन की चौकी पर बैठकर पत्नियों से सुगंधित तेल की मालिश करा रहे थे। चारों ओर सुंदर स्त्रियां थी। राजा नहाने की तैयारी में था कि मैनावती ने ये देख लिया। गोपीचंद के सुंदर शरीर का नाश होगा, ये सोचकर उसे दुख हो रहा था और वह रोने लगी। वो आंसू राजा के शरीर पर गिरे। तब राजा को आश्चर्य हुआ कि गर्म पानी शरीर पर कहां से गिरा। इसलिए चारों तरफ देख रहा था तो पता चला कि अपनी माँ ही छत पर रो रही थी। उसी समय राजा अपनी माँ के पास आया, चरण पकड़े हाथ जोड़े और रोने का कारण पूछा। तुझे किसी ने कुछ कहा तो मुझे बताओ। अगर मैं तेरा दुख दूर न कर सका तो मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है। तेरे संतोष के लिए मैं अपने प्राणों का भी त्याग करूंगा। गोपीचंद का भाषण सुन मैनावती बोली, महान प्रतापी राजा की माँ होते हुए मुझे कौन क्या कह सकता है। मुझे सिर्फ इतना ही दुख है कि तेरे पिता स्वरूपवान होने पर भी काल ने उन्हें राख कर दिया। तेरे स्वरूपवान शरीर का भी उसी तरह नाश होगा, इसी का मुझे दुख है। इसलिए शरीर को काल से मुक्ति मिलने का उपाय ढूंढो। गोपीचंद, इस क्षण भंगुर ऐश्वर्य में न पड़कर अपने हित के लिए सोचो। तेरे अभी के वृत्ति की ओर देखकर मुझे दया आती है और इसी कारण मुझे रोना आया। मेरा किसी ने भी अपमान नहीं किया। राजा बोला, माँ तेरा कहना एकदम उचित है, लेकिन अच्छा गुरु कहाँ मिलता है। जो स्वयं अमर होगा वही दूसरे को अमर कर सकेगा, लेकिन आजकल ऐसा कहाँ है। तब मैनावती बोली, बेटा जालंधर उसी तरह का गुरु है और आजकल वह अपने ही नगर में आया है। सो तू भाव भक्ति से उसकी शरण जा और इस नाशवान शरीर का मोह छोड़कर अपना शरीर अमर कर ले। माँ के ये शब्द सुन गोपीचंद्र बोला कि उसके उपदेश से मुझे मेरे बच्चे, पत्नी, राजवैभव, सुख संपत्ति सबका त्याग करना पड़ेगा। ये सब इतनी जल्दी मुझसे नहीं होगा। अभी मुझे 12 वर्ष तक हर तरह के सुखों का भोग लेने दो, फिर मैं गुरु की शरण जाऊंगा और उत्तानपाद राजा के पुत्र के समान सारे ब्रह्मांड में यश फैलाऊंगा। तब माँ बोली, बेटा ये शरीर का पल भर भी भरोसा नहीं और तू 12 वर्ष की बात कर रहा है। 12 वर्ष किसने देखे हैं कि समय कैसा आएगा, ये किसने देखा है। जिस समय मैनावती गोपीचंद को आदेश दे रही थी, उपदेश दे रही थी, उस समय गोपीचंद की पटरानी लूमावती छिपकर ये बातें सुन रही थी। ये सुन उसे बड़ा दुख हुआ। तब वो अपने मन में सोचने लगी कि ये माँ नहीं दुश्मन है। राजा को राजवैभव के सुख का त्याग करने को कहने वाली ये अपनी सास नहीं बल्कि दुश्मन है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा विचार मन में कर वह चटपटाने लगी। मैनावती का उपदेश सुन गोपीचंद ने उत्तर दिया, हे माँ जैसी तेरी इच्छा मैं वैसा ही करूँगा। तेरी इच्छा के खिलाफ नहीं जाऊँगा, लेकिन उस जालंधर नाथ का प्रताप कैसा है ये देखे बिन उससे मेरा कहाँ तक भला हो सकता है, ये मैं खुद सोचूंगा। मेरी तसल्ली होगी तभी मैं उसकी शरण जाऊंगा। अब तू अपना सारा दुख दूर कर। इस तरह माँ को सांत्वना देकर राजा नहाने चला गया। इधर राजा की लाडली रानी लूमावती को राजा को दिया हुआ उपदेश अच्छा न लगने के कारण उसने दूसरा ही षड्यंत्र रचा। उसने अपने सौतों को बुलाकर कहा कि मैनावती राजा को बिगाड़ने में लगी है। वो बोली, गोपीचंद को इस संसार से दूर करने का मंसूबा रानी मैनावती अर्थात राजमाता कर रही है। कोई जालंधर नाम का ढोंगी गांव में आया है, उसका उपदेश राजा को देकर उसे योगी बनाना चाहती है। सास का ये भाषण मैंने अपने कानों से सुना है। उसके उपदेश से राजा का मन पिघल गया है।
राजा का मन पिघल गया तो सारा राजवैभव खत्म हो जाएगा, फिर हमें भी जिंदा रहकर क्या करना, फिर दूसरों का राज आकर हमारा सब सुख नष्ट हो जाएगा। उससे पहले कुछ उपाय सोचकर ऐसा होने से बचा जाए। सब रानियों के मन में लूमावती ने विकल्प फैलाकर उनके मन कलुषित कर दिए, लेकिन किसी को कोई उपाय न सूझा और वे सब रोने लगी। ये देख लूमावती ने सोचा कि मैनावती पर झूठा आरोप लगाया जाए जिससे इस संकट से छुटकारा होगा। ऐसा सोचकर उसने अपने सौतों को अपना विचार बताया कि राजा को ऐसे बताएं कि गांव में जालंधर योगी आया है, वह स्त्रियों पर बुरी नजर रखता है और मैनावती को काम विकार सहन ना होने से वह उसके साथ रहती है और राजा को उपदेश दिलवा कर उसे तीर्थ यात्रा पर भेजना चाहती है और जालंधर को गद्दी पर बिठा कर बेफिक्र हो उसके साथ भोग विलास कर सके। ये सुन राजा क्रोधायमान होकर जल्दी ही इस बात का कुछ निर्णय लेगा। ये बात सभी रानियों को पसंद पड़ी और वे सब अपने महल में चली गई। उसी दिन राजा सब रानियों के साथ पटरानी लूमावती के महल में आए, तब वह राजा को आसन पर बिठाकर प्रेम से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मेरे सुनने में एक बात आई है, वो आपको कहूं या ना कहूं बड़ा भारी प्रश्न है। अगर नहीं कहती तो बड़ा अनर्थ होगा, कहती हूं तो संकट है। इस तरह दोनों तरफ चिंता में पड़ी हूं। राजा बोला, तू निर्भय हो, सारी बात साफ साफ कह दे। तब वो बोली, आप नाराज ना होने का वचन दे तभी मैं कहूंगी। राजा ने वचन दिया, तब उसने कहना शुरू किया। तब उसने तय करने के मुताबिक सारी बातें राजा के मन में भर दी और बोली कि हमारे सौभाग्य सुख में बाधा ना आए, ऐसा सोचकर जो करे सो करे। रानी की बात सुन उसे सच मान राजा आग बबूला हो गया। फिर राजा ने प्रधान को बुलाकर जालंधर को बुलवाया और एक बड़ा गड्ढा बनवाकर उसमें ढकेल दिया। पश्चात उसके ऊपर घोड़े की लिद डालकर गड्ढा बंद कर दिया और जो लोग सामने थे उन्हें कहा कि जो भी गांव में यह करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। राजा जान से मारेगा, इस डर से कोई कुछ न बोला। यह आधी रात को किया गया था जिससे गांव में किसी को पता ना चले। दूसरे दिन जालंधर नाथ कहीं चले गए, ये खबर गांव में फैल गई। तब वह बैरागी है इसलिए लोग उसके बारे में अनेक तरह से सोचने लगे। गुरुजी चले गए ये खबर दासी ने मैनावती को सुनाई। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि बेटे को अमर करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। लेकिन राजा की रानियों को बड़ी खुशी हुई, लेकिन गांव के लोगों को साधु के दर्शन दुर्लभ हो गए। गड्ढे में जालंधरनाथ वज्रासन लगाकर आकाशास्त्र की योजना कर एकदम शांत बैठे रहे। आकाशास्त्र उनके चारों तरफ होने से और वज्रास्त्र की योजना करने से घोड़े की लीद ऊपर की ऊपर ही रह गई, इसलिए गड्ढे में वह निर्भयता से रहे। 14वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय नमः। धन्यवाद।